हर भारतीय राइडर का सपना होता है कि वो किसी दिन अपनी बाइक उठाए और निकल जाए कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया की ओर। तो मुझे भी कुछ ऐसा मौका मिला। एज अ राइडर मैं ये मौका गंवाने नहीं देना चाहता था, मगर वो कहते हैं ना, जब किस्मत आपका साथ देती है तो उस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति आपका साथ देना छोड़ देती है। लद्दाख जाने का इतना बड़ा मौका मैं अपने हाथ से गवा नहीं सकता था। फिर मैंने भी सोचा, यार ये गरीबी तो अपना साथ छोड़ने वाली है नहीं, तो ये गरीबी को करते हैं साइड और निकल चलते हैं अपना ड्रीम राइड की तरफ। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत लगाइए, गर्मी बहुत ज्यादा है और मैंने सुना है भूसे में आग बहुत जल्दी लगती है। तो मैं बात कर रहा हूँ उस फेमस जगह की जो कि फेमस है अपने ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स के लिए, क्रिस्टल क्लियर स्काइज के लिए, हाईएस्ट माउंटेन पासेस के लिए और थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, लद्दाख। तो बस क्या था, मैंने गरीब को साइड रखा और निकल पड़ा लद्दाख की तैयारी के लिए। श्री राम सभी को, कैसे आप सभी, मैं तो बढ़िया मस्त होप करता हूँ आप लोग भी मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर नहीं होंगे तो लद्दाख सीरीज देखने के बाद मस्त हो जाएंगे। बात करते हैं लद्दाख ट्रिप के बाइक मॉडिफिकेशन के बारे में, जो कि मैंने अभी फिलहाल में कराया था, वो है सैडल स्टे। ये मैंने सैडल स्टे लगवाया है और उसके बाद मैं लगवाया हूँ टॉप रैक। बाकी का कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि ऑलरेडी आप लोग मेरे चैनल पर देख चुके होंगे। इन शॉर्ट मैं बात कर लेता हूँ, नकल गार्ड मैंने लगवाया था, विंडशील्ड मैंने लगवाया था एक्सटेंडर के साथ, और ये लाइट्स जो कि SJG कंपनी का है ये मैंने लगवाया था। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें का डिस्कशन मैं अपने चैनल पे कर चुका हूँ। अगर डिटेल में जानना है तो जाकर एक बार वो वीडियो को देख सकते हैं। टैंक के लिए मैंने ये टैंक पे एक स्टिकर्स भी लगवाया है, कुछ स्टिकर्स मैंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो कि मैंने अपने टॉप बॉक्स पे लगाया है, वो आपको लद्दाख सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। जब मैं फाइनली अपने घर से लद्दाख की ओर निकलूँगा उस वक्त आपको टॉप बॉक्स पे वो सारी स्टिकर देखने के लिए मिलेगा। तो बस यही कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने कराया था अपने बाइक पे। इन शॉर्ट मैं बता चुका हूँ, मैंने बस अभी फिलहाल में एक सैडल स्टे ही लगवाया था, बाकी का लद्दाख का बाइक मॉडिफिकेशन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ जरूरी गेयर्स के बारे में जो कि राइड के दौरान आपके पास होना ही होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइडिंग पैंट से। तो हमारे पास है राइडिंग पैंट, उसके बाद राइडिंग जैकेट और टैंक बैग। यह है हाइड्रेशन बैग जो कि इस गर्मी में आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। इतना गर्मी में डिहाइड्रेट होना और राइडिंग के दौरान थोड़ा आपके तबीयत से खिलवाड़ हो सकती है, तो इसीलिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए मैंने मंगाया है हाइड्रेशन बैग जो राइनोक्स ब्रांड का है। ये ग्लव्स भी है वो सेम ब्रांड का है। फिर उसके बाद मेरे पास है ये राइडा का राइडिंग बूट्स, और उसके बाद इस राइड के दौरान मैंने एक और चीज़ ऐड किया है जो कि है ये जेली सीट। ये जेली सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है और आपके राइड को और ही ज़्यादा कम्फर्ट बना देता है। उसके बाद मेरे पास सैडल बैग है, सैडल बैग, ये आपका सैडल बैग हो गया, दो सैडल बैग हो गया जो कि विटारा कंपनी का ही मैं परचेज किया था। और यही कुछ गियर्स है जो कि राइडिंग के दौरान को ये सारी चीज़ें आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक छोटा सा जो कि मैं पर्सनली मतलब फील करता हूँ राइडिंग के दौरान, तो मेरा जो लगेज है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, मतलब सामान काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ रहता है। उसके लिए इस बार मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें की हैं, जो कि है ये जो आप कुछ बैग्स देख रहे हैं एक इसमें है, और ये आप जो ये सारा कपड़ा ये जो बैग्स में आप देख रहे हैं अंदर सेम इसी टाइप का बैग है। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, मैंने अमेजोन से परचेज किया ये सारी चीज़ें। प्राइस कुछ ज़्यादा है नहीं, 700 के अप्रॉक्स इसका प्राइस है, लेकिन जो सारा सामान है आपका वो आपका अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, जैसे कि कपड़ा, यहाँ तक कि आपकी खाने पीने की चीज़ें, वो बहुत
आपको राइडिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील कराएगा। तो आप ये चीज एक बार मेरे कहने पे आप एक बार ट्राई करके देखिए, काफी आपका राइड कंफर्ट हो जाएगा, आपके राइडिंग के दौरान आप कंफर्ट फील करेंगे। तो बस यही कुछ चीजें था। और हाँ, अगर इस वीडियो में कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके याद जरूर दिलाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय श्री राम।